मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं न्यूज। और न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं हैशटैग बॉलीवुड। और यहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की टॉप चटपटी खबरों के बारे में। तो क्या खास है आज हमारे इस प्रोग्राम में, सबसे पहले बात करेंगे रणवीर सिंह और शाहरुख खान के बारे में। क्या डॉन 3 में रणवीर सिंह ने शाहरुख को किया रिप्लेस? और दूसरी बात हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर वरुण धवन ने ऐसा क्या कहा कि उनका वीडियो हो गया वायरल। ये तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में, तो नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह के होने की अफवाह जैसे ही आई, शाहरुख के फैंस के होश उड़ गए। सब निर्माता निर्देशक के इस फैसले से हैरान थे, लेकिन बता दें कि यह महज एक अफवाह ही है। डॉन सीरीज के निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर ने खुद इन अफवाहों को बकवास बताया है। उन्होंने कहा, डॉन 3 जब भी बनेगी शाहरुख खान के साथ ही बनेगी। फरहान अख्तर से जुड़े एक सूत्र ने हैरानी जताते हुए कहा, ऐसी खबरें आती कहां से हैं? रणवीर सिंह डॉन में है, ये पूरी तरह से र्यूमर है। डॉन 3 जब कभी भी बनेगी तो शाहरुख खान के साथ ही बनेगी, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, वो इस फ्रेंचाइजी के एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान की अगली फिल्म कौन सी होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे लिए डॉन वही रहेंगे। I think as far as when things involve the election commission and kyunki elections aa rahe we have to respect these processes and we'll let it be if obviously it's part of our fraternity agar fraternity ke saath if any of us get a call if we need to help out we will obviously but we all have to respect the jurisdiction and the law so I think whatever the law decides Well, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम हैशटैग बॉलीवुड, जहां हमने आपको अपडेट करवाया बॉलीवुड की टॉप एंटरटेनमेंट खबरों के बारे में। लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में क्या नया जानना चाहते हैं या किसी सेलिब्रिटी या किसी बॉलीवुड से जुड़ी कोई खबर जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, कमेंट कर बताएं और इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप सभी से लेती हूं अलविदा, कल फिर आऊंगी ऐसा ही खास प्रोग्राम लेकर। टिल देन बाय बाय।